दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका मंडल के लिए जो ऑप्शन मांगे गए थे बार बार वो तारीख बढ़ी और 26 जुलाई से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे जो मैंने भी देखा कि माननीय हाईकोर्ट ने जो काउंसलिंग प्रक्रिया पे स्टे दे दिया, यानी कि रोक लगा दी है। उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थियों में एक हताशा छाई और अपने आप को एक बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों जब जब आपके ऊपर संकट आया मैं आपके साथ हूँ और आज भी आपके साथ हूँ। और इस जो हाईकोर्ट ने स्टे दिया इस संबंध में मैंने एडवोकेट से बात की है, सीएमओ में सीएम संयुक्त सचिव साहब से बात की है। सुबह मैंने एक ट्वीट भी किया था क्योंकि मैंने कल सीएमओ में अवगत कराया था। उसके बाद सीएमओ से आज मेरे पास फोन आया था कि उपेन हमने बीकानेर निदेशालय के अधिकारियों को बोल दिया, आरपीएससी में जो एक सर्विसमैन का जो मामला चल रहा है उनका निस्तारण के लिए हमने आरपीएससी में भी बोल दिया है। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था कि आरपीएससी और बीकानेर के अधिकारियों से सीएम संयुक्त सचिव साहब ने बात की है, इसलिए अब देर नहीं होगी। उसके बाद आप में खुशियां थी, आप एक तरह से आप में खुश हो गए थे, एक तरह से मैं आप लोग जोश आ गया था कि हाँ हमारा काम नहीं रुकेगा क्योंकि बार बार तारीख पढ़ने से आप लोग उदास थे। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे भी दुख हुआ कि यार 2 साल से पहले ही ये लोग संघर्ष कर रहे थे, 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि अब तो हमें जुलाई में ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो जाएगी। कैलेंडर जारी हुआ, खुशी आती। लेकिन दोस्तों जितना दुख आपको मुझे भी उतना ही दुख है क्योंकि लगातार आपकी भर्ती अटकती है तो मुझे भी आप लोगों के लिए भागना पड़ता है। लेकिन इस संकट में आपके साथ हूँ। बुरी खबर आप लोगों के लिए जरूर है, लेकिन इसके साथ ही अच्छी खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो सुबह सीएमओ से फोन करवाया था आरपीएससी में बीकानेर के अधिकारियों के पास भी, और जो स्टे हाईकोर्ट ने दिया है एक सर्विसमैन वाले मामले में दिया है कि इनके बिना रिजल्ट काउंसलिंग कैसे की जा रही है, इनका रिजल्ट निकाला जाए, इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, इस मामले को लेकर स्टे दिया है। अब आप समझ रहे हो कि आपका मामला कई बार क्या होता है कि कोर्ट से स्टे आने के बाद 6 महीने साल भर भर्ती लटक जाती है, कई बार 2 साल भी लटक जाती है। देखिए कृषि पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर प्रयोगशाला साइक लटकी हुई है, उसके भी अभ्यर्थी मुझे लगातार कॉल कर रहा है लेकिन उसमें भी एप्लीकेशन लगवाकर जल्दी सुनवाई की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत भरी ये बात है कि जब सीएमओ की तरफ से आरपीएससी को कह दिया गया है कि इनका रिजल्ट निकाला जाए, इनको राहत प्रदान की जाए, इनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, तो वो जल्द ही इनका रिजल्ट निकालेंगे और उनको काउंसलिंग में शामिल कर लेंगे। ऐसे में जो आज याचिका पर स्टे आया है वो स्टे जब स्टे की जो मांग थी कि इनको शामिल किया जाए और इनको काउंसलिंग शामिल किया जाए तो वो एक तरह से याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी, यानी कि आने वाली सुनवाई जो होगी उसमें आरपीएससी कह सकेगी हमने रिजल्ट जारी कर दिया है और इसको काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं या इनको काउंसलिंग में शामिल कर रहे चाहे बीकानेर कहे। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है, लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं डाल रहा हूँ, कई लोग बिल्कुल दुखी हो गए, चिंतित हो गए, लगातार कॉल और मैसेज आ रहा है, एक अवसाद में आ चुके हैं कि क्या होगा, हमारी भर्ती लटक गई, साल भर 2 साल हम लटक गए। तो उन लोगों को कहूंगा कि आपको अवसाद में आने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि 5-10 दिन आपकी भर्ती लेट हुई है, लेकिन किसी भी हालत में आपके भविष्य के साथ कुठारघात नहीं होने दूंगा, आपका भाई आपके साथ है। मैं सीना ठोक के कहता हूं जब तक आपकी नियुक्ति नहीं होगी आपके साथ उपेन यादव साथ रहेगा। आपसे पहले कल ही मैंने सीएमओ में बात की थी, आज सीएमओ की तरफ से फोन आया था। ऐसा नहीं है कि वो चिंतित नहीं है क्योंकि कल मैंने अवगत करा दिया था कि बार बार तारीख बढ़ाई जा रही है बीकानेर के द्वारा, पहले 11 जो 11 तक थे उसको 17 फिर 23 कर दी, अब भी दोबारा बढ़ाने की बात है क्योंकि राजेश बदाला का फोन आया था कि ये वो वापस बढ़ाने की तैयारी करे। तो मैंने सीएम संयुक्त सचिव साहब को सीएम फोन करके बता दिया था कि इससे क्या है कि ये आक्रोश में है, कहीं जयपुर आएंगे फालतू तो माहौल खराब होगा। तो उन्होंने कहा कि कहां की लापरवाही मेरे का बीकानेर से बार बार तारीख बढ़ाई जा रही है। उसके बाद आज मेरे पास फोन आया कि हमने बीकानेर निदेशालय के अधिकारियों को बोल दिया है, जो एक सर्विसमैन का जो मामला है उस संबंध में आरपीएससी के अधिकारियों को भी हमने बोला है। उसके बाद मैंने ट्वीट किया, आपने देखा होगा मैंने आरपीएससी अधिकारी प्लस बीकानेर अधिकारियों का जिक्र किया था, सीएमओ की तरफ से ही फोन आया था। तो दोस्तों अब अभी दोबारा मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया इस भर्ती को हम ज्यादा दिन लटकने नहीं देंगे, हम आरपीसी बोल चुके, दोबारा बोल देंगे जल्द से जल्द एक सर्विसमैन का रिजल्ट निकाले और उनको शामिल करें क्योंकि ये स्टे दिया है, इसी वजह से दिया है कि उनका रिजल्ट नहीं निकाला, उनको शामिल नहीं किया, इस कारण से स्टे दिया गया और वो कारण ही खत्म हो जाएगा तो भर्ती प्रक्रिया से स्टे हट जाएगा। हालांकि आपको 5-10 दिन का नुकसान हुआ है क्योंकि जो जो सुनवाई की जो होगी उस दिन आरपीएससी का एडवोकेट कहेगा कि हमने इनको शामिल कर लिया इनको और ये लोग काउंसलिंग शामिल हो तो स्टे हट जाएगा, उस दिन का आपको इंतजार करना होगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द तारीख मिले और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया से स्टे हटे क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था बुरी खबर आपको
शायद सबको पता चल गई, लेकिन बुरी खबर मुझे बुरा लगता है। लेकिन बात ऐसी है कि आप लोग अवसाद के लोगों को मैसेज देख के लोगों ने कहा कि हम मर जाएंगे, कि मैसेज देखे तो मैंने सोचा वीडियो डालना जरूरी है, उनको सच्चाई बताना जरूरी है। इसलिए आपको थोड़ा सा संयम रखना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं वादा कर रहा हूं आपके साथ हूं, मैंने खुद ने बात की है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आरपीसी के अधिकारियों से आप जाके मिल लीजिए कि कल सीएमओ से, आज या उन्हें आज का फोन आया था कि सीएमओ से अधिकारियों का फोन आया कि नहीं है, या बीकानेर जाके पूछ लीजिए। जितनी कोशिश हो रही है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ये स्टेट है जल्द जल्द एक सर्विस से इनका रिजल्ट जारी हो, उनको शामिल करें जिससे पूरी समस्याएं खत्म हो और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। धन्यवाद। जय जवाहर।